हेलो गाइस दोस्तों, आज की जो गुड न्यूज़ है मैंने आपको बता रखी है, वो भी वीडियो लिंक लेकर से मैं दे दूंगा। क्योंकि देखिए 2019 के इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2020 के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जो लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है ना एग्जाम में, उस क्वेश्चन को लेके आए। तो वो है लेंथेनाइड और एंटीनाइड तत्वों के गुणों में अंतर और भिन्नता। बात यही है, ठीक है, अंतर को भिन्नता भी कहते हैं। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफरेंट क्या होगा एंटीनाइड तत्वों के और गुणों में अंतर और एक्टिनाइड, ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों तत्वों के अंतर बताना है आपको। तो मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, अच्छे लगे वीडियो एक बार लाइक करके तुरंत शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ठीक है, व्हाट्सअप पर। क्योंकि देखिए मैं बताने वाला हूँ कि ये ऐसा चैनल हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी बिजन है, एस्ट्रोली सूरज है, जो आपको बहुत अगले ले जाएगा एक्चुअली इम्प्रूवमेंट एग्जाम में। देखिए आपको से वादा करता हूँ कि 78, देखिए जो बिल्कुल बिल्कुल निल स्टूडेंट थे वो 70% प्लस लाए थे, और आपसे वादा करता हूँ कि आपको मैं 85% प्लस बताऊंगा वो क्वेश्चन जो बिल्कुल क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिंक नीचे जिसको मैं दे रखा है वो देख लो, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पीडीएफ देख लो जिसमें 3 नंबर आपके फंस जाएंगे। देखिए हम एक एक क्वेश्चन आपको 85% प्लस दिलाने का वादा करते हैं, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन हमने आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं वो देख लो, 85% उसमें से फंसेगा, ठीक है। और 2 दिन पहले मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, वो याद कर लेना बस, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज से मैं वादा करता हूँ आपको 100% पास कराने का वादा करता हूँ, ठीक है। तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को देखते हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। पहले क्वेश्चन को देखिए, पहले पॉइंट को देखते हैं इनमें, और ध्यान से पढ़ना जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, सिंपल जैसे नया सॉन्ग आता है ना, 2-3 बार देखते हैं सुनते हैं और याद हो जाता है, उसी प्रकार से ये आप 1-2 बार वीडियो को देखिए सिंपल याद हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सुनिए ध्यान से, समझने की बिल्कुल सुनो और समझो बस, इसके अलावा कुछ मत करो। देखिए पहला पॉइंट यहाँ बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन 4 ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। किस में भरे जाते हैं? जो एंटी लेंथेनाइड तत्व होते हैं वो 4f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं, और इसमें 5f एंटीनाइड में कैसे भरे जाते हैं? 5f ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। बस लेंथेनाइड कैसे 4 में ऑर्बिटल में भर जाते हैं, एंटीनाइड 5 ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। उसके बाद में दूसरे की बात करें, दूसरे पॉइंट को देखो, यहाँ बोल रहा है कि 4f ऑर्बिटल की जो बंधन ऊर्जा होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? अधिक होती है। कैसी होती है? 4f ऑर्बिटल की जो बंधन ऊर्जा वो कैसी होती है? अधिक होती है, ठीक है, कैसे होती है? अधिक होती है। और 5f ऑर्बिटल की बंधन ऊर्जा कैसी होती है? कम होती है। याद रखना फोर एंटीनाइड के 5f ऑर्बिटल की जो बंधन ऊर्जा होती है, बॉन्ड एनर्जी होती है, वो कैसी होती है? कम होती है, कम होती है, और इसकी कैसी होती है? अधिक होती है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में पॉइंट चलते हैं तीसरे पॉइंट पर, 4f ऑर्बिटल का जो परीक्षण प्रभाव अधिक होता है, 5f ऑर्बिटल का परीक्षण प्रभाव कम होता है। पॉइंट समझ में आ रहा है जी? बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद चौथे पॉइंट का देखो, ये क्रम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जैसे कि ये कम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जैसे कि 2 है, +2, +3 और +4, लेकिन चौथे में क्या है? ये अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जैसे 2+3+4+5+6+7+8+, वो कौन से कहलाते हैं? एंटीनाइड तत्व कहलाते हैं। पांच पे पॉइंट को देखो, इसमें अनुचुम्बकीय प्रवृत्ति की व्याख्या सरल है, ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें रासायनिक गुणों में भिन्नता है, क्योंकि 5f व 3d, अरे क्या बोल रहा हूँ, 6d की ऊर्जा का अंतर कम होता है। क्या होता है? कम होता है। 6 पॉइंट को देखो, जो लास्ट पॉइंट है, सेम टू सेम ऐसे लिख के आना है, इसमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कम है, इसमें संकुल निर्माण की प्रवृत्ति अधिक है। ओके, और कुछ याद करना है? कुछ याद नहीं करना, बस इतना याद करके चाहिए। कोई दिक्कत है मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताना है, सभी दोस्तों को मुझे एक बार इसमें कमेंट करके जरूर बताना है। आई होप हमारी वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं, एक्चुअली इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, स्टडी विद सूरज के बारे में, ठीक है, गुड बाय।